सत श्री अकाल जी, नवें दिन नवी वीडियो च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो अज असीं एक नवी जगह जा रहे हैं, उत्थे दी गल्लबात, उत्थे दा की इतिहास है, तो किन्नी दूर है, बाकी सारी गल्लबात आपां उत्थे जाके करते हैं। चैनल नाल जुड़े रहो ते वीडियो दे एंड तक बने रहो। तो अजे तक जे चैनल सबसक्राइब नहीं करिया तां चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब कर लिओ, ते बाकी आपां गल्लबात उत्थे जाके करते हैं। हाँ जी, असीं पहुँच गए हाँ जी फतेहगढ़ जिले का जिहड़ा पिंड है बरास। यह फतेहगढ़ साहब तो 22 किलोमीटर है, तो राजपुरे तो 25 किलोमीटर है। तो यह पिंड दे विच जिहड़ी अनाज मंडी बनी हुई है, तुसीं ओ देख सकते हैं वीडियो च। इस टाइम इत्थे जीरी की फसल होने करके जीरी आई हुई है, तो इस दे नाल ही जिहड़ा रस्ता जा रहा सामने, यह जिहड़ी मशहूर एक मस्जिद बनी हुई है उसका है। यह बहुत उच्ची स्थान पर बनी हुई है, तो इहदी आपां सारी गल्लबात जाके करते हैं ते दर्शन करते हैं। अनाज मंडी दे बिल्कुल नाल ही मस्जिद बनी हुई है, बहुत उच्ची जगह पर है। पिंड भी दसा जाता है काफ़ी उच्चा है, तो इत्थे काफ़ी दूर तो लोग आने, तुसीं देख सकते इत्थे हुण भी कोई गड्डी खड़ी, यूपी नंबर है, काफ़ी मानता इस मस्जिद की। तो आपां जाके गल्लबात करते हैं तो दर्शन करते हैं। मस्जिद के बिल्कुल बाहर एक चाह लेस वगैरह की दुकान बनी हुई है, तो इत्थे कुछ भरा बैठे हैं अपने, उस तो बाद मैं थानू दर्शन करवाना। इत्थे ज़्यादातर जिहड़ियां गड्डियां हैं लोकल लोग भी आए हुए हैं, PB 65 नंबर गड्डी है, तो यूपी नंबर गड्डियां भी काफ़ी आई हुई हैं, एक दो मोटरसाइकिल भी आए हुए हैं यूपी तो, वो भी थानू दिखाना जी मैं सारा। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? मध्य प्रदेश से आए जी। मध्य प्रदेश, दर्शन करके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा जी, ठीक है, वेरी गुड, सुकून मिला दिल को, वेरी गुड, ठीक है जी, थैंक यू। MP तो आए जी गड्डी, एक ही जा रहे हैं, तो एक वीर जी नाल आपां गल्लबात करिए, ये भी दर्शन करके जा रहे हैं। उस तो बाद यूपी नंबर गड्डी देखो जी, यूपी नंबर गड्डी, तो यह भी XUV 700 यूपी नंबर, एक मोटरसाइकिल भी खड़े है, यह भी यूपी नंबर है। वीर जी कितों आए तुसी? धौलाबाद पर, यूपी धौलाबाद पर। और आप? बागपत से जी, बागपत। ठीक है, इससे पहले भी आते आप दर्शन करने? ठीक है, कैसा लगता है यहाँ पे दर्शन करके? भाई साहब आप कहाँ से हो? बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। यूपी से, मुजफ्फरनगर से। इससे पहले भी आप यहाँ पे दर्शन करने पहली दफा आए हो, कैसा लगा आपको यहाँ पे? मस्जिद के बाहर का एक ही रस्ता बनया हुआ जिहड़ा इत्थे शायद रुकन वास्ते रहन वास्ते कमरे बने हुए हैं, तो उस तो बाद ये जिहड़ा मेन गेट है इत्थे आपां एंट्री करते हैं, इत्थे मस्जिद नूं जाण लई जिहड़ा ये मेन रस्ता है। कुछ भरा इत्थे मुसलमान भाईचारे के जिहड़े दूरों दर्शन करन आए हुए इत्थे खड़े हैं, तो आप ही बाकी आपां जाके अंदर गल्लबात करते हैं, तो अंदर दर्शन करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, सीएम। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद सज्जाद। वेरी गुड, कहाँ से आए हो आप? और आप कहाँ से आए हो? यूपी। कैसा लगा आपको दर्शन करके? अच्छा लगा, ठीक है। लो जी, असी मस्जिद के एंट्री कर लिए, तो पिछे भाई साहब बैठे हैं, अपना कुछ उन्होंने इतिहास का लिटरेचर दे रहे हैं। तो जिहड़ा ये पिंड है बरास, ये काफ़ी उच्ची जगह पर बनया हुआ, फतेहगढ़ साहब जिले बनया हुआ है, ये राजपुरा के भी नेड़े है, इस करके दोनों पासे जिहड़े काफ़ी मुस्लिम भाईचारे के लोग रहने, फतेहगढ़ साहब भी काफ़ी है, तो राजपुरे के आस पास पिंडां भी जिहड़े लोकल लोग है वह भी मुस्लिम भाईचारे के काफ़ी ज़्यादा गिणती है, वह भी इत्थे दस्सिया इन्होंने स्थानक लोगों ने कि इत्थे दर्शन करन लई काफ़ी हद तक आने, काफ़ी गिणती जाने हैं। तो उस तो अलावा काफ़ी दूर तो लोग भी आने, जिमें कि आप देखिया कि यूपी तक दियाँ बरेली तक दियाँ गड्डियां भी इत्थे आई हुई सी, काफ़ी दूर दूर तो मानता है, तो करके इत्थे काफ़ी दूर दे ते लोकल लोग अक्सर रोज़ ही दर्शन करने लिए आते। रस्ता इधरों जा रहा है, इत्थे पता करन ते उन्होंने दस्सिया कि इत्थे बहुत पुरानियां कबरां बनी हुई हैं, लगभग 3-4 हज़ार साल पुरानियां कबरां, बाकी आप गलबात करते हैं पुछते हैं। तो सीधा रस्ता जिहड़ा ये जा रहा है, यह हैगा अंदर मेन जो मत्था टेकन का स्थान बनया हुआ, इतने आप जाके गलबात करते हैं तो दर्शन करते हैं।
लो जी हुण असीं बिल्कुल उपर आ गए जिथे मस्जिद बनी हुई है। तो यह सामने रस्ता है जिथों असीं आए हैं। तुसीं देख लो भी किन्नी उचाई ते बनया होया। छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं जिहड़े पुछण तो दस्सिया कि पटियाले तो आए हुए हैं इत्थे दर्शन करन लई। तो ये वह मस्जिद है बरास पिंड की जिहदे आपां दर्शन करने हैं ते तुहानूं करवाने हैं। ये सामने है बिल्कुल। ये है जी वह पवित्र स्थान जिथे साढ़े मुस्लिम भाईचारे के लोग आगे नमाज पढ़ते हैं। तो ये अंदर वह पवित्र जगह बनी हुई है। तुसी वीडियो चे दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सोहनी इन्होंने बहुत अलग तरीके सजावट करी हुई है। छत्तां तो लेके हर चीज़ इन्होंने बहुत सोहनी खूबसूरत बनाई हुई है। मस्जिद बहुत ही उच्ची ते सोहनी जगह ते बनी हुई है। तो इस दे नाल ही तुसी पिंड दा नज़ारा देख सकते हो। पिंड किवें नीवा रह जांदा क्योंकि ये बहुत उचाई ते होण करके बाकी जिहड़े सारे घर है आपां नूं नीवें लगदे हैं। मस्जिद दे पिछले पासे ही आपां नूं गुरद्वारा साहिब दे दर्शन होंदे हैं। तो ये तुसी वीडियो च देख सकते हैं बिल्कुल नाल ही पिछले पासे गुरद्वारा साहिब बनिया होया है। मस्जिद के बाहर कुछ उर्दू च लिखा हुआ थानू मैं जूम करके दिखा रहा। वैसे मैं उर्दू च पढ़ना तो नहीं आता पर जिहड़े वीर उर्दू जानते हैं पढ़ सकते हैं वह इस चंगी तरह पढ़ लेंगे। मस्जिद बिल्कुल बाहर ही ये लिखा हुआ है। हूँ असी जा लगे हाँ मत्था टेक लिया। असी उस तो बाद जो मस्जिद के नाल एंट्री पॉइंट से एक कबर जा रहा रस्ता बनया हुआ है। दसिया कि उन्होंने इतने वीर जी जे मिले से सानू कि 3000 या 4 साल पुरानी कबर है। तो आप देखते हैं तो थानू भी वीडियो दर्शन करवाने। ये रस्ता जा रहा है जिहड़ी इत्थे पुरानी उस टाइम कबरां बनी हुई है। तो इत्थे उर्दू च कुछ लिखा हुआ है। मैंने इत्थे वीर जी मिले वह उर्दू जानते हैं वह पढ़ के सानू दस देंगे कि की लिखा हुआ है। आराम गाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ जी ऋषि मुनि जो होते हैं इस्लाम के जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आए जो इस्लाम को फैलाया जो इस मजहब की बुनियाद डाला। हाँ जी उन लोगों की यहाँ आरामगाह है। आरामगाह ठीक है। अंदर बने कब्रें बनी हुई हैं। कब्रें बनी हुई है 9 कब्रें हैं। हाँ हाँ जिनमें वो लोग जो हिंदुस्तान में आए। ठीक है 9 कब्रें हैं टोटल। 9 कब्रें हैं जो अंबिया इकराम ऋषि मुनि की। हमें बाहर कोई बता रहा जब हम एंट्री करने आए थे कि ये 3000 या 4 साल पुरानी कब्रें हैं। काफी पुरानी कब्रें हैं ये आज की नहीं है। ठीक है 3-4 हज़ार पुरानी कब्रें हैं। 1400 साल पहले की बात है। 1400 साल पहले की बात है। तकरीबन 1450 साल हो गया। ठीक है उसके उस वक्त की ये मजार है। आप कहाँ से आए हो? हम लोग बिहार से आए हुए। कौन सा जिला आपका? मधुबनी से। जी अभी आज ही आए इससे पहले भी? आज ही आया हूँ पहली बार। पहली बार आए हो आप भी? पहली बार। ठीक है ठीक है चलो हम दर्शन करते हैं। हम लोग आए हैं की अंबिया अलैहिस्सलाम के मजार पर हम लोगों की हाजिरी होना ये खास खुशकिस्मती है। सही बात। और इनके मजार पर आना अल्लाह को याद आता ताज़गी होती है ईमान को तकवीयत मिलती है मजबूती मिलती है मिलती है। और हम लोग मरते दम तक जो है इन लोगों के खिदमात को और अहकामात को लेकर ही दुनिया से जाने की कोशिश करेंगे हम लोग भी कब्र के अंदर। देखो आज हम भी पहली बार आए हैं और हमारे दोनों के आज मुलाकात होनी थी तो ना ये बहाना बनना था। ठीक है ना हम भी पहली बार आए आप भी पहली बार आए हो। ठीक है तो बाकी हम चलो दर्शन करते हैं अंदर दिखाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया का पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने दिया है। अच्छा जी ये वाली सारी कब्रें ये सारे हैं सारे 8 इधर है एक उधर है। अच्छा 8 ही इधर है एक उधर है उस साइड में 1 2 3 4 चार वो पीछे हैं है ना। चार 8 एक उस साइड बनी हुई है। टोटल 9 कब्रें हैं। 9 कब्रें जी ठीक है। अंबिया इकराम की ऋषि मुनि की है। हाँ जी अंबिया इकराम की कब्रें हैं ये मजार आते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम ये सब ये खबरें हैं। ठीक है जो काफी पुरानी 3000 4000 5000 साल पहले की खबरें हैं। 5000
साल से पहले की है। हाँ, 3000-2000 का नहीं, इसमें शको सुबह की बात नहीं है। 500 साल जो है वो पहले की ये बात है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर तशरीफ लाने से पहले ये लोग तशरीफ लाए हैं। सही बात है। और वो अल्लाह की वहदानियत को और इंसानों को एक इंसानियत की बात बतलाए। ठीक है। तो ये कब्रें लगभग आप देख रहे हो कि 15-20 फुट लंबाई है इनकी, इतनी लंबी कब्रें हैं, उनके बारे में आप बताइए ये कब्रें इतनी लंबी क्यों हैं? नहीं, इन लोगों की जो है हाइट जो होता था लंबाई, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के हालात के तहत जो है 20 से 15 से के बीच फीट की लंबाई होती थी। अच्छा। और जिसमें जुस्सा और मोटापन जो है उसी के मुताबिक होती थी। और इन लोगों के आवाज के अंदर जो अल्लाह ने बुलंदियां रखी थी, तो यहाँ से लेके 15 किलोमीटर दूरी तक इनकी आवाज जो है, मुंह की आवाज जो बगैर लाउड स्पीकर के चली जाती, बगैर किसी मशीनरी के, ये कुदरती जो है पहुंचती थी कि 20 किलोमीटर तक के इनकी आवाज को जो कवर लोग करते थे। ठीक, ठीक। उस वक्त में एक जगह अजान होती थी तो वो अजान की खबर 20 किलोमीटर तक के लोग जो है वो सुनते थे, और फिर वो जानते थे कि ये फला वक्त जोहर का हो गया, ये असर का हो गया, ये मगरिब का हो गया। तो 20 किलोमीटर तक की आवाज जाती थी, ये अल्लाह की कुदरत की है बात है। ठीक है। हाँ जी, जिवें कि तुसीं सुनिया जिहड़े वीर जी दस रहे सीगे कि यह 3000 या 4000 या इस तो भी वध साल पुरानियां कबरां है, तो इन्हां दी लंबाई भी 15-20 फुट है जिवें तुसीं देख सकते हो पिछे। तो उन्हां दी कहने अनुसार मानता यह है कि उस टाइम पर जिहड़े लोग सीगे इन्ने ज़्यादा लंबे होंदे सी, 15-20 फुट उन्हां दी लंबाई हुंदी सी, ते आवाज़ भी इन्हां दी बहुत उच्ची हुंदी सी, बिना लाउड स्पीकर तो वह जदों बोलदे सी तां 15-15 फुट तक अपनी आवाज़ पहुँचा देंदे सीगे। यह उन्हां दी मानता, उन्हां दे अनुसार मैं तुहानूं दस रहा हाँ। तो मैनूं थोड़ा जिहा हिंदी च भी बोलना पिया उन्हां नाल, क्योंकि पंजाबी उन्होंने समझ नहीं आ रही थी, तो करके यूपी तो या बिहार तो सके, गाजियाबाद तो कोई नोएडा तो, करके उन्होंने मैं हिंदी से गल करनी पई। तो बाकी मैं थोड़ा दर्शन करवा रहा इतने, मेरे पिछे कवर बनिया हुई 8 कवर है, 4 एक सैड है, 4 एक सैड है, एक लास्ट में पिछे बनी हुई है, 9वीं कवर है, माफ़ करना 9 कवर है, मतलब 8 एक सैड है, तो 9वीं एक सैड पिछे बनी हुई है। यह 4000 या लगभग 5000 साल या उस तो भी पुरानिया कवर बनिया हुई, तो यह इस जगह का इतिहास यही है। इस मानता करके इतने इन्नी दूर तो लोग आने दर्शन कर आने, क्योंकि ये उस उन्होंने पुराने समय तो जोड़े से उन्होंने कबर बनिया हुई। कबर वाली जी बहरली कंध है उसके नाल ही मैं खड़ा, तो इतों एक छोटा जहा रस्ता बनया हुआ है, जो तुम इतों शॉर्टकट निकलना है तो इतने नाल लगती ही कुछ रेस्ट का प्रबंध बनया हुआ है। तो पिछे अनाज मंडी बनी है, दो पानी टैंकियां भी सू दिख रही, बहुत उच्ची जगह पर बनी हुई है ये मस्जिद। तो इस दे नाल ही थानू मैं इहदा व्यू दिखा रहा। इस स्थान पर जिथे कबर बनिया हुई उत्थे कुछ मत्था टेकन लई भी स्थान बनया होया है, उहदे थानू मैं दर्शन करवा दिंदा। तो ये तुसीं देख सकते हैं इत्थे इहनां दी मानता है, इत्थे ही मत्था टेकदे हैं। इहदे विच ही एक दरख्त बनया होया जिहड़ा उपरों छत दरख्त कुछ हिस्सा छड के बाहर निकल रहा है। इस दे बाहर ही कुछ दीवे बने हुए जिन्हां च तेल पाया होया है, ते नाल ही नमक दे काफ़ी पैकेट पए हैं, क्योंकि ज़्यादातर यह जी जगह पर मानता हुंदी है कि नमक का मत्था टिकदा है। ये शायद रिफाइंड का भी नहीं, नमक दे ही पैकेट है सारे, तो इत्थे रखे हुए हैं जिहड़े सेवा करके गए हैं, शरधालु चढ़ा के गए हैं। ये कुछ लोग जिहड़े दर्शन करन आए हुए हैं इत्थे बैठ के आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने थानू मैं दिखा रहा। लो जी, एक बार थानू मैं फिर दर्शन करवा रहा, जिहड़ा इत्थे स्थान बनया होया है, 9 कवर आए तो 8 एक सैड है, तो 9वीं एक सैड बनी हुई है। कुछ लोग इत्थे जो दर्शन करन आए हुए इत्थे बैठ के, क्योंकि इत्थे दरख्त की बड़ी सोहनी छां है, बैठ के गल्लां बातां कर रहे हैं। तो हुण आपां जा रहे हैं बाहर किसी होर नाल, वीर जी नाल गल्लबात करते हैं। सानू इत्थे सेवा कर रहे वीर जी हैं जिहड़े, उन्होंने दस्या कि इत्थे साल च 3 प्रोग्राम होंदे हैं, जिन्हां च काफ़ी ज़्यादा रश हुंदा। वैसे आम रूटीन च डेली इत्थे श्रद्धालु आते रहते हैं, जिहड़े लगातार इत्थे यूपी तो आए, कोई लोकल भी आने हैं, दूर दूर तो दर्शन करन आते रहते हैं। बाकी उन्होंने दस्या कि पाकिस्तान तो भी कुछ भरा
मुस्लिम भाईचारे अपने भरा इतने आते थे दर्शन करने लिए। हूँ पिछले कुछ सालों तो हूँ उतों कोई नहीं आ रहा फिलहाल, जी मैं उन्होंने दस। हाँ जी, ये अपना अज्जा ब्लॉग जिदे भी थानू मैं एक बरास पिंड बहुत पुरानी मस्जिद बनी हुई है वो दिखाई है, ये बहुत पुरातन कबर बनी हुई हैं उन्होंने दर्शन करवाए हैं। तो इतने दसिया जोड़े सेवा कर रहे हैं कि लगभग साल से तीन प्रोग्राम होंगे हैं जोड़े मेन प्रोग्राम है, उस तो अलावा डेली दर्शन करने वाले लोकल या दूर वाले लोग वो भी आते हैं। तो इतने जी खास गल उन्होंने दसी है कि इतने उर्दू और अरबी भी सिखाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी उम्र वाला बंदा बच्चा बुढ़ा जवान कोई भी सीख सकता है, तो उसकी कोई फीस नहीं हैगी। उर्दू और अरबी दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्होंने टाइम हैगा शाम को 3 to 4 PM। जे किसी ने लोकल या दूर वाले सीखनी हो भी इतने आके जिहड़े भाई साहब इतने सेवा कर रहे हैं इतने बैठे होंगे उन्होंने आके गलबात कर सकते हैं। तो उम्मीद करना थानू अज की वीडियो बहुत वधिया लगी होगी, तो इस तरह ही तुसीं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करते रहो, तो बहुत जल्द आपां आने वाली अगली वीडियो।